बड़ी खबर, फिल्म जेएनयू का दूसरा पोस्टर भी जारी हो गया के। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दूसरे पोस्टर में जय श्री राम बनाम लाल सलाम पोस्टर पर लिखे सवाल पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। तो पोस्टर पर सवाल ये है कि क्या एक यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकती है, ये सवाल पूछा गया है। कई लोगों ने जेएनयू को प्रोपेगेंडा फिल्म भी बताया गया कि इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जेएनयू में रवि किशन हैं, उर्वशी रौतेला हैं, विजय राज हैं, पीयूष मिश्रा और रश्मि देसाई जैसे कई बड़े नाम, कई सितारे शामिल हैं। प्रतिमा दत्ता फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। तो विजय शर्मा ने फिल्म जेएनयू को डायरेक्ट किया है, डायरेक्टर हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएनयू से जुड़ी दूसरा पोस्टर रिलीज हो गया है। प्रोड्यूसर हैं प्रतिमा दत्ता, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। विजय राज, पीयूष मिश्रा जैसे बड़े सितारे इसमें शामिल हैं। विनय शर्मा की ओर से फिल्म को डायरेक्ट किया गया है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहला पोस्टर देखिए, पहले पोस्टर में आप देख रहे हैं इंडिया का मैप है, इंडिया का मानचित्र है और इसको एक हाथ में जकड़ रखा है। इस पर लिखा गया है कि क्या एक विश्वविद्यालय देश को तोड़ सकता है। ये सवाल लोगों पर छोड़ दिया गया है कि सब अपने अपने हिसाब से इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि आखिर क्या इस फिल्म में आने वाला है। और अब तो चूंकि दूसरा पोस्टर जो आया है उसके बाद लगातार इस फिल्म को लेकर बातें होने लगी हैं। जय श्री राम है, भगवा ध्वज है, झंडा है, दूसरी ओर लाल सलाम आप देख रहे हैं, लाल रंग का झंडा, नीचे जेएनयू लिखा गया है। तो जेएनयू फिल्म जो कि 5 अप्रैल से सिनेमाघरों में आने वाली है, इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर एक बवाल छिड़ गया है। इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है और इसे एक प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है। प्रतिमा दत्ता ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूसर है प्रतिमा दत्ता, विनय शर्मा की ओर से डायरेक्ट की गई है मूवी। तो पहला पोस्टर, और पहले पोस्टर के बाद से ही लगातार सुर्खियों में छाई है ये फिल्म। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और दूसरा पोस्टर आने के बाद और अधिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो क्या एक विश्वविद्यालय, क्या एक यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकती है, ये सवाल पूछा गया है। साथ ही दो झंडे आप देख रहे हैं, एक तरफ है जय श्री राम भगवा झंडा, दूसरी ओर लाल सलाम लाल रंग का झंडा। चलिए मेरे सहयोगी राजश्री इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। राजश्री, फिल्म जेएनयू का पहला पोस्टर आता है उसके बाद भी लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनती हैं, अब दूसरा पोस्टर आ गया कि जिसमें दो झंडे, एक तरफ जय श्री राम दूसरी ओर लाल सलाम। बिल्कुल ज्योति, हम देख रहे हैं कि 5 अप्रैल को ये फिल्म हालांकि रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले अब इस फिल्म का जो क्रेज है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। अब सोशल मीडिया एक्स पर जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी ये ट्रेंड कर रहा है लगातार, आपने भी देखा होगा उसमें लगभग 2,500 से ज्यादा पोस्ट हैशटैग के साथ किए गए, इस वजह से वो ट्रेंडिंग में है। इसके अलावा अगर हम बात करें जेएनयू को लेकर तो वो भी लगातार ट्रेंड कर रहा है। अभी दूसरा पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें दूसरे पोस्टर में एक तरफ जय श्री राम और बनाम लाल सलाम लिखा हुआ है। इससे पहले एक पोस्टर रिलीज हुआ था ज्योति, आपने भी देखा होगा कि उसमें एक सवाल लिखा गया था कि क्या एक यूनिवर्सिटी देश तोड़ सकती है, तो ये भी काफी ट्रेंड कर रहा था। तो पोस्टर लगातार वायरल हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि जेएनयू को कई लोग प्रोपेगेंडा फिल्म भी बता रहे हैं, इस पर भी सोशल मीडिया पर लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं। और फिल्म को लेकर जैसा कि आपने भी स्टार कास्ट को लेकर बताया कि रवि किशन और उर्वशी रौतेला जैसे स्टारर फिल्म है ये, और इसमें पीयूष मिश्रा भी दिखेंगे जो हमेशा कुछ कई सेंसिटिव और सोशल इश्यूज पर फिल्म करते आए हैं। रश्मि देसाई भी इसमें है, विजय राज ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, फिल्म की प्रोड्यूसर प्रतिमा दत्ता है। तो फिल्म के रिलीज होने से पहले इसे लेकर लगातार अब सुर्खियां जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार इस बात को लेकर सुर्खियां हैं। चुनाव से जोड़कर भी राष्ट्रीय, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि क्या ये कोई प्रोपेगेंडा है, क्या इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, इस तरह की बातें भी शुरू हो गई हैं। देखिए ज्योति, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी रिसेंट बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हैं जिस पर सोशल इश्यूज को उठाया गया है, कई जो कानून बने हैं उसे भी यहाँ पर उठाया गया है, तो उससे भी लोग इसे कनेक्ट करके देख रहे हैं। आर्टिकल 370 एक एग्जाम्पल है, अभी अभी ये फिल्म रिलीज हुई और सिनेमाघरों में काफी लोगों ने इसे पसंद भी किया है। अब जेएनयू ये फिल्म आ रही है तो कहीं ना कहीं इस पर भी कई तरह के प्रोपेगेंडा को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि चुनाव भी पास है और उससे पहले इस तरह की फिल्में आ रही है तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन भी हो सकता है। अब 5 अप्रैल को ये फिल्म आएगी, रिलीज होगी, अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म का स्टार बेस के हिसाब से इसकी स्टोरी लाइन क्या है, वो तो फिल्म के और स्टोरी लाइन, क्योंकि पहले पोस्टर में जो लिखा गया है कि क्या एक यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकती है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यहाँ से इस चीज साफ हो जाती है जो कि ठीक है आपने कि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ ये फिल्म हो सकता है। खैर ये रिलीज के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है हैशटैग के साथ। बिल्कुल, हैशटैग के साथ है इस मूवी को लेकर। देखिए बहुत सारी पोस्ट किए जा रहे हैं, लगातार वायरल है, लगातार ट्रेंडिंग में है,
आप देख रहे हैं जेएनयू को लेकर, तो ये दो दो जो झंडे हैं राष्ट्रीय, पहली बात तो पहले पोस्टर में एक बहुत बड़ा सवाल ये लोगों के लिए छोड़ दिया गया के इंडिया का मानचित्र के मैप के जिसपे लिखा गया के जिसे एक हाथ में जकड़ा के कि क्या एक विश्वविद्यालय देश को तोड़ सकता है, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हैं। उसके बाद दो झंडे जिसमें एक भगवा झंडा भी है जिसको स्थिति तौर पर चूंकि जय श्री राम लिखा गया है तो हिंदुत्व से जोड़कर देखा जा रहा है, जो भारत का मानचित्र बना गया है वो भी भगवा रंग का है, तो ये भी बहुत बड़े सिग्नल्स या बहुत बड़े संदेश अपने आप में दे रहा है इस फिल्म से जुड़े। बिल्कुल ज्योति, ठीक है आपने कि दो यहाँ पर जो है दूसरा जो पोस्टर आया है उसमें दो झंडे, एक भगवा कलर है और एक लाल रंग है। जय श्री राम लगातार एक हिंदुत्व की निशानी आरएसएस इसे लगातार बढ़ाता आया है कहीं ना कहीं, और अभी आपने देखा भगवान राम मंदिर की भी अभी स्थापना हो गई, तो लगातार जय श्री राम पहले से ही ट्रेंडिंग वर्ड रहा है। अब इसे इस फिल्म के साथ जोड़ा गया है तो ये देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म में किस बात को लेकर ये दर्शाया जा रहा है कि इसमें भगवा कलर के साथ जय श्री राम लिखा गया, वहीं लाल सलाम का जिक्र भी इसमें किया गया। लाल सलाम आप भी जानते हैं कि माओइस्ट से ये है, और अभी रिसेंट में आप देखेंगे एक और फिल्म आ रही है जो बस्तर पर फिल्माई गई है तो उसमें भी लाल सलाम के बारे में बताया गया है। तो यही कारण है कि इन तमाम तरह की जो फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं तो इस वजह से इसे प्रोपेगेंडा माना जा रहा है कहीं ना कहीं। अब पोस्टर पर सवाल ये उठ रहे हैं, जैसा कि एक और इससे पहले जो पोस्टर रिलीज हुआ था उसमें ये लिखा था कि क्या ये यूनिवर्सिटी देश तोड़ सकती है, तो आपने भी देखा होगा कॉलेज और स्कूल, आजकल तो कॉलेज में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए भी कई तरह के प्रोपेगेंडा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में काम कर रहे होते हैं, तो यूथ पॉलिटिक्स को हम इससे जोड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह की पॉलिटिक्स जेएनयू में होती है उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। स्टारकास्ट को लेकर एक बार फिर से बात कर लेंगे, साथ ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लेकर भी जानकारी दें। बिल्कुल, अब देखिए जो एक तरह से देखा जाए फिल्म के प्रोड्यूसर हैं प्रतिमा दत्ता और दूसरी तरफ जेएनयू में रवि किशन जो है वो अहम भूमिका में नजर आएंगे। उर्वशी रौतेला बड़ी स्टार है वो यहाँ पर नजर आएंगी। उर्वशी रौतेला को हम अक्सर बबली जैसे रोल में हम देखते आए हैं, हनी सिंह के गाने से वो काफी फेमस हुई थी, लेकिन अब उर्वशी रौतेला की अगर हम बात करें तो ये देखने वाली बात होगी कि उन्होंने इस मूवी में, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव नजर आ रही है जिस तरह से ये मूवी का नाम है और एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स को दिखाया गया, तो एक उनका जो बबली कैरेक्टर रहा है हमेशा फिल्मों में जो हम देखते हैं, अब कहीं ना कहीं सीरियसनेस उनकी यहाँ पर देखने को मिलेगी, हो सकता है ये नया होगा लोगों के लिए। पीयूष मिश्रा को आप भी जानती है काफी लोकप्रिय है, थिएटर से वो जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो इस फिल्म में है तो वाकई उनकी एक दमदार भूमिका होगी ऐसा हम कह सकते हैं। रश्मि देसाई भी इसमें है, वो सीरियल में काफी पॉपुलर रही है और फिल्म में अब नजर आने वाली है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस फिल्म को लेकर तो काफी समय से इसे लेकर तैयारी चल रही थी, शूटिंग के वक्त भी हमने दर्शकों को खबरें बताई थी कि इसे लेकर शूट किया जा रहा है और आने वाले समय में ये फिल्म काफी दमदार होगी। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी जो प्रोटेस्ट किस तरह से होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस तरह की राजनीति होती है उसे दर्शाने के लिए। अच्छा राष्ट्रीय, चूंकि अब जो देश में माहौल के इस तरह की जो पहली फिल्में आई हैं, चूंकि बहुत सारी बातें तो क्लियर हो रही हैं कि जेएनयू से जुड़ी ये मूवी है इसमें कोई दोराय नहीं है, जो भगवा रंग और लाल रंग इसको लेकर बहुत बार हम अलग अलग तरह की बहस देखते हैं तो इसे लेकर भी तमाम चीजें हो सकती हैं, तो राम मंदिर के आप कह सकते हैं निर्माण के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो हिंदुत्व को लेकर देश भर में लहर है, जो हिंदूवादी लोग हैं, हिंदुत्व से जुड़े हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं, या पॉलिटिकल लिहाज से भी हम बात करें तो इस तरह की जो फिल्में हैं, हम पिछले कुछ फिल्मों पर नजर दौड़ाएं तो काफी हिट या कह लें कि सुपर हिट हुई हैं। अब इस फिल्म को लेकर देखना है लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जाता है, क्योंकि 5 अप्रैल को फिल्म रिलीज होने जा रही है। बिल्कुल ज्योति, एक तरह से देखा जाए तो सबसे अहम बात ये हो जाती है यहाँ पर कि आपने भी देखा होगा कि हिंदुत्व की राजनीति जो कर रहा है वो खुलकर कर रहा है अब, तो यहाँ पर अब कोई दो शक नहीं कि काफी समय से जब राम मंदिर को लेकर मेहनत की जा रही थी, प्रयास किए जा रहे थे, आरएसएस इसके लिए आगे रहा, उससे पहले भी कई पार्टियां रही, बीजेपी ने भी इसे बढ़ावा दिया और आखिर राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब फिल्म को लेकर ये अब देखने वाली बात होगी कि फर्स्ट जो पोस्टर रिलीज हुआ उसके बाद दूसरा पोस्टर जो रिलीज हुआ उसमें साफ तौर पर ये तो समझ आ रहा है कि जेएनयू जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी को लेकर इसे फिल्माया गया है, और सबसे अहम बात यह कि विनय शर्मा इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और 5 अप्रैल को ये पीवीआर आईनॉक्स में रिलीज हो जाएगी। अब लोग यूजर इसमें ये भी कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड है, ये वही बॉलीवुड है जो हिंदू विरोधी फिल्में बनाता था और अब कुछ लोग असली सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ यूजर्स ने ये भी लिखा है, एक दूसरे यूजर्स की भी टिप्पणी में बताना चाहूंगी जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक और फैक्ट पर आधारित फिल्म, यानी कि फैक्ट मतलब आप समझ लीजिए कि कंटिन्यू काफी सारी फिल्में आई हैं जो पुलवामा अटैक पर बन रही हैं, 370 पर बन रही हैं, तो इसलिए शायद इन्होंने लिखा है कि एक और फैक्ट पर आधारित फिल्म। तीसरे यूजर ये लिख रहे हैं कि सच्चाई को सामने लाने की जरूरत है, लोगों को पता चलना चाहिए, और कुछ लोग यही प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं और ये फिल्म बना रहे हैं, तो लोगों के रिएक्शन भी इस तरह के हैं, यानी कि लोग इस फिल्म को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं।
लोगों का रिस्पांस कुल मिलाकर राष्ट्रीय बहुत शानदार मिल रहा है फिल्म को, हम ये कह सकते हैं। अब देखना ये कब तक ट्रेलर आता है, क्योंकि 5 तारीख को फिल्म को रिलीज किया जाएगा और उसमें क्या कुछ सामने आती है बातें, किस तरह की झलक सामने आती है। बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय, ये पूरी जानकारी आप दे रही थी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला पोस्टर है, पहले पोस्टर में आप देख रहे हैं भारत का मानचित्र है, भारत का मैप है। इसमें लिखा गया कि क्या कोई यूनिवर्सिटी नेशन को तोड़ सकती है। हाथ में जकड़ा भारत, जेएनयू नाम है। समझने वाले के लिए बहुत अपने आप में काफी ही पहला ही पोस्टर कि इस फिल्म में क्या हो सकता है। टॉप ट्रेंडिंग में है, लगातार लोग इसे शेयर कर रहे हैं, नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में है जेएनयू। दूसरा पोस्टर भी आगे आके और इससे तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो रही है। एक तरफ है जय श्री राम ध्वज आप देख रहे हैं, भगवा ध्वज के, और दूसरी ओर लाल सलाम। तो बवाल तो देखिए होने वाला है, इसमें कोई दोराय नहीं है। अभी से दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि हाँ जेएनयू में जो कुछ हो रहा है वो देश के सामने रखा जाएगा, जो कि अब तक बॉलीवुड में नहीं हो पाया कि अपनी तरह की पहली और जेएनयू के अंदर जिस तरह की घटनाएं हो रही है मानकर लोग चल रहे हैं कि वो तमाम चीजें इसमें दिखाई जा सकती है। लोगों के अनुमान हैं, अटकलें हैं पहले और दूसरे पोस्टर के सामने आने के बाद। कुछ लोग इसे प्रोपोगेंडा भी बता रहे हैं चुनाव से ठीक पहले। देखना यह है कि फिल्म में क्या कुछ सामने आता है और फिल्म रिलीज होने के बाद किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का मिलता है। ये बड़ी खबर आपको बताई।